What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. पूरन पोड़ी बना रहा हूँ आज, साथ में कटाची आमटी. होली स्पेशल रेसिपी है. पिछले होली पे गुजिया बनाई थी आप सबके लिए और बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि पूरन पोड़ी की रेसिपी शेयर करो, तो आज ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ. और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम सॉफ्ट, ज़बरदस्त पूरन पोड़ी बनती है. और साथ में जो कटाची आमटी बनती है बहुत ही डिलिशियस लगती है. और ये दोनों चीज़ें बनने के बाद इसकी एक थाली सजाएंगे जिसमें बटाट्याची भाजी, वरण भात, कुरडई और सारी चीज़ें रख के वो थाली को इन्जॉय करेंगे लास्ट में. और ये जो थाली है उसे खाने में बहुत मज़ा आता है. यूजुअली जितने भी बड़े ओकेजन्स होते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे पूरन पोड़ी साथ में कटाची आमटी और ऐसे थाली सजाई जाती है और बहुत ही एक सूदिंग और कम्फर्टिंग मील होता है. बहुत मज़ा आता है इसे खाने में. और पिछले गणेश उत्सव में मैं पुणे गया था अक्षय के घर पर और अक्षय की मम्मी ने हम सब के लिए ये थाली सजाई थी और बहुत मज़ा आया था खाने में. और ये जो रेसिपी है मैंने उनसे सीखी है और स्पेशल थैंक्स शारदा आंटी को ये रेसिपी मुझे सिखाने के लिए. पूरन पोड़ी और कटाची आमटी बनती कैसी है वो देख लेते हैं. पूरन पोड़ी का डो लगाने के लिए छन्नी में 2 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा डालकर अच्छे से आपको छान लेना है. अब इसके अंदर एक चुटकी भर नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून तेल डालना है. सारी चीजों को हल्का सा आपको मिला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है. एक बार ये सारी चीज़ें आपने मिला ली, यहाँ पर मैं 1 कप पानी यूज़ कर रहा हूँ और बैचेस में ऐड करके जो आटा है उसको बस कंबाइन करने वाला हूँ. तो इस तरीके से धीरे धीरे पानी डालकर आटे को कंबाइन कर लीजिए. 1 कप पानी डालने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है पानी थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून और पानी डाल रहा हूँ. जो पूरन पोड़ी का आटा होता है वो काफ़ी ढीला होता है, ढीला आटा हमें लगाना है. तो आप देख सकते हो पानी ऐड करने के बाद ये आटा काफ़ी चिपचिपा है, काफ़ी ढीला आटा है. ऐसे ही आटा होना चाहिए. इसे निकाल कर अभी प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसको अच्छे से गूंदने के लिए. इस आटे को आपको बहुत अच्छे से गूंदना पड़ता है, कम से कम 6-7 मिनट या 10 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूंदिए, जब तक कि इसकी चिपचिपाहट खत्म नहीं हो जाती है और ये आटा एकदम सॉफ्ट और स्ट्रेची नहीं हो जाता है. तो अच्छे से गूंदते रहिए, आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी स्टिकीनेस जो है वो कम हो जाएगी और ये आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा. तो लगभग 7-8 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये आटा एकदम नॉन स्टिकी हो गया, एकदम सॉफ्ट और स्ट्रेची हो गया. इसी तरीके से आटा आपको बनाना है. एक बार आटा इस तरीके से तैयार हो जाए, इस स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें लगभग 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर रहा हूँ. तेल ऐड करने के बाद फिर से आपको अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इस आटे को गूंदना है, जब तक कि आटा जो है वो तेल अच्छे से पी नहीं जाता है. तेल डालने से भी आटा हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा और जब पूरन पोड़ी बनाएंगे तो हमारी पूरन पोड़ी भी एकदम सॉफ्ट बनेगी. तो आप देख सकते हो 3-4 मिनट के बाद आटे ने तेल अच्छे से पी लिया है, एकदम आटा हमारा रेडी हो चुका है. इस स्टेज पर आटे का एक बड़ा सा बॉल बना लीजिए. अब एक बॉल ले लीजिए, उसमें अच्छे से तेल लगाना है. बॉल पर इस आटे को प्लेस कर दीजिए और ऊपर से भी अच्छे से तेल डाल दीजिए. तेल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. एक गीले कपड़े से इस आटे को भी ढक देना है और रेस्ट करने रखना है. तो आटा एक बार इस तरीके से तैयार हो जाए, इसको रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लगभग 2 घंटे के लिए इस आटे को रेस्ट कर दीजिए. रेस्टिंग से होता क्या है कि आटा ढल जाता है और जब हम पूरन पोड़ी को शेप करेंगे तो इजीली शेप होगी, फटेगी नहीं बेलते समय, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा आटा और ढल जाएगा. तो रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो प्रपोर्शन है गेहूं का और मैदे का जो मैंने आज लिया, वो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप मैदा लिया है. मैदे के एडिशन से हो क्या जाता है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ जाती है डो के अंदर और इजी हो जाता है पूरन पोड़ी को शेप करने में. कई घरों में सिर्फ गेहूं का आटा भी यूज़ किया जाता है, कई जगहों पर सिर्फ मैदा भी यूज़ किया जाता है, दोनों सही है. ऐसी भी रेसिपीज है जिसमें रेशियो जो होता है गेहूं और मैदे का वो 1:1 होता है, मतलब 1 कप गेहूं 1 कप मैदा ले लो. सारी रेसिपीज़ करेक्ट है, हर घर का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है. जो मैंने आज रेसिपी आपको बताई है इससे काफ़ी इजी तरीके से आप बेल भी पाएंगे पूरन पोड़ी को और एकदम सॉफ्ट बनेगी. तो सेम रेसिपी आप घर पे बनाइए, बहुत अमेजिंग बनती है. तो ये हो गया हमारा आटा, आटा रेस्ट करने रख दिया. जब तक कि आटा रेस्ट हो रहा है बाकी की तैयारी करनी है. जैसे हमको पूरन बनाना है जो एक फिलिंग होती है चना दाल और गुड़ की, और साथ में कटाची आमटी बनानी है जो पूरन पोड़ी के साथ सर्व की जाती है. तो पूरन कैसे बनाया जाता है वो नेक्स्ट देख लेते हैं. एक बोल में छन्नी रख दी है, उसमें 1 कप चना दाल आपने ले लेनी है. चना दाल को अभी आपको 2 से 3 पानी में अच्छे से धोना है, यानी कि 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए साफ पानी से. पानी डाला, अच्छे से आपने दाल को धोया, दाल के ऊपर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो पानी में निकल जाएंगी. इसी तरीके से 2-3 बार इस दाल को धो लीजिए जब तक कि पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता है. मैंने दाल को अब अच्छे से धो लिया है, दाल को आपको छान लेना है. अब एक प्रेशर कुकर ले लेना है, प्रेशर कुकर में दाल ऐड कर दीजिए. साथ ही में 4 कप पानी डालना है, यानी कि 1 कप दाल में 4 कप पानी
साथ ही में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून तेल डालना है। अब कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, एक सीटी हाई पे होने दीजिए, उसके बाद आपकी फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो पर कर दीजिए और 7-8 और सीटियों के लिए आपको इस दाल को पकाना है। दाल को हमने सोक नहीं किया था इसलिए सीटियाँ थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, 5-6 घंटे के लिए दाल को सोक कर लेंगे अगर तो आपकी बस 3-4 सीटी में ही दाल पक जाएगी, बट ऐसे भी दाल आपकी एकदम परफेक्ट पक जाती है। तो यहाँ पर लगभग 7-8 सीटियाँ हो गई हैं, इस स्टेज पर गैस को आपको बंद कर देना है, प्रेशर कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए, स्टीम को निकलने दीजिए कुकर खोलने से पहले, चेक कर लीजिए, उसके बाद कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। आप देख सकते हो दाल हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है, मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ, ये देखो दाल एकदम अच्छे से गल चुकी है। इस स्टेज पर आपको छन्नी लेनी है और एक छन्नी से इस दाल को छान लेना है। तो पकी हुई दाल को छान लो, इसको साइड पर रख दो, ये जो दाल है उससे फिलिंग बनेगी और ये जो दाल का पानी है इसे कट कहा जाता है, इससे हम कटाची आमटी बनाएंगे। अब ये जो पकी हुई दाल है इसमें से 2 टीस्पून दाल मैं निकाल रहा हूँ एक कटोरी में। दाल को लेकर अच्छे से आपको मैश कर लेना है, एक बार आपने दाल को अच्छे से मैश कर लिया तो ये जो पानी है दाल का जो कट है उसमें मिला दीजिए, इससे अच्छी थिकनेस आ जाती है आमटी के अंदर, ये एक टिप आपको दे रहा हूँ। अब पूरन बनाने के लिए एक बर्तन में जो पकाई हुई चना दाल है वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 कप आपको गुड़ लेना है, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब गैस चालू करके आपको स्टर करते हुए गुड़ और दाल को साथ में पकाना है। जो गुड़ और दाल का रेशियो है, जो कटोरी से इनिशियली आपने दाल ली थी 1 कप दाल ली थी, तो इक्वल क्वांटिटी 1:1 रेशियो वही कटोरी में आपको गुड़ को भी मापना है, सेम प्रपोर्शन डालना है, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी पूरन पोड़ी के पूरन में। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पकाइए, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको पकाना है। धीरे धीरे गुड़ जब पिघलेगा आप देखेंगे कि लिक्विड ही हो जाएगा मिक्सर, पर आपको इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सर गाढ़ा नहीं हो जाता है। और इसको चेक कैसे करना है मैं आपको एक बार ये पक जाता है फिर बताऊंगा। इस प्रोसेस को लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं। एक चीज़ आपको ये करनी है कि मीडियम फ्लेम पर रखनी है आपकी गैस को और कंटिन्यूसली इसको स्टर करके पकाना है, बीच में इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे लग जाता है मिक्सर। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो मिक्सर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर एक चम्मच ले रहा हूँ, चम्मच को आपको मिक्सर के ऐसे बीचों बीच डालना है, आप देखेंगे चम्मच जो है आपका ऐसे रुक जाएगा जगह पे, इसका मतलब हमारा मिक्सर जो है बन गया। अगर रुकेगा नहीं चम्मच तो थोड़ा सा और पकाइए, एक बार आपका मिक्सर इस तरीके से बन जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद इसमें 2 चीज़ें और रह जाती हैं ऐड करना, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए और 1/4 यहाँ पर जायफल में ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ, जायफल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कोई कोई घरों में इसमें सौंठ का पाउडर भी मिक्स किया जाता है, तो हर घर की रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है। ये 2 मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और हमारा पूरन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इस पूरन को अभी गरम गरम ही हमें छानना है एक छन्नी में। एक छन्नी में थोड़ा सा पूरन ले लीजिए, इसको जब तक आप छान रहे हैं बाकी के पूरन को ढक के रखिए कि ये गर्म ही रहे, गर्म गर्म पूरन को छानना ईजी हो जाता है। तो ऐसे अच्छे से दबा दबा कर पूरन को आपको छानना है और थोड़े थोड़े पोर्शंस लीजिए और सारे पूरन को आपको इस छन्नी के थ्रू छान लेना है कि जो चना दाल और गुड़ के थोड़े भी पीसेज अगर बड़े बड़े होंगे तो एकदम स्मूथ हो जाए, एकदम हमारा जो पूरन है एकदम स्मूथ बने, इससे हमारी पूरन पोली एकदम सॉफ्ट भी बनेगी और इसको बेलने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे पूरन को छान लिया है और एकदम सॉफ्ट ये मिक्सर बन गया है। अपने हाथों से ही इस मिक्सर को अभी आपको अच्छे से मिला लेना है कि गुड़ और चना अच्छे से मिक्स हो जाए और ये आप पूरन देख सकते हो एकदम सॉफ्ट बना है। इसको एक साथ बस इस तरीके से ले आइए, एक बोल में इस पूरन को रख दीजिए और जब तक आप पूरन पोली नहीं बनाएंगे तब तक इसको ढक कर आपको साइड पर रखना है। तो पूरन आपने देखा कितना एकदम आसान है बनाना और एकदम सिंपल तरीके से बनता है, बहुत कम चीज़ें जाती है, पर ये फिलिंग का जो फ्लेवर है जो टेस्ट है बहुत ही डिलिशियस होता है। यूजुअली महाराष्ट्रियन घरों में एक इक्विपमेंट होता है जिसे पूरन यंत्र कहा जाता है, वैसे एक गोल किस्म का होता है, उसमें बस पूरन डाल देते हैं फिर उसको ऐसे घुमाते और नीचे से जो हमने छन्नी में प्रोसेस किया वो पूरन यंत्र में हो जाता है। अब हमारे पास तो है नहीं, काफ़ी लोगों के घर पे भी नहीं होगा, इसलिए छन्नी वाला मेथड बताया, ये एकदम आसान तरीका है, ऐसे आप बना सकते हैं और पूरन आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही चीज़ों को फॉलो करना है और परफेक्ट पूरन बनेगा। जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिठास है वो एकदम परफेक्ट आती है अगर आप 1:1 मतलब जो आपकी कच्ची दाल थी जो कटोरी में मापेंगे वही कटोरी से आपको गुड़ मापना है, सेम क्वांटिटी यूज़ करो। और जो हमने आटा भी लगाया है जो इसका ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि 2 कप में 1/2 कप डाला तो ऑलमोस्ट डबल है, उससे आपकी वेस्टेज नहीं होगी, ना ही आटे की वेस्टेज होगी ना ही पूरन की वेस्टेज होगी, सारा कुछ मापा हुआ है एकदम रेसिपी में, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो पूरन पोली का सारा कार्यक्रम जो है हमने ऑलमोस्ट कर लिया, बस शेप करके पकाना है, पर उससे पहले कटाची आमटी कैसे बनती है वो देख लेते हैं। एक लोहे के पैन को अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है,
एक बार पैन गर्म हो जाए तो हाई फ्लेम पर ही आपको इस पे दो मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करने हैं। इन प्याज को अभी आपको ऐसे स्टर करते हुए बस घुमाते हुए एकदम अच्छे से भूनना है, जब तक कि प्याज में एक डार्क रंग नहीं चढ़ जाता है। बिल्कुल भी तेल नहीं ऐड करना है, ऐसे सूखा ही करना है। और लोहे के पैन पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा करो, जो रंग है प्याज में बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इस जगह पर काफ़ी घरों में प्याज को डायरेक्टली भी गैस के ऊपर सीधा ऐसे जला कर भी भूजते हैं, दोनों तरीके सही हैं। एक बार इस तरीके से रंग चढ़ जाए जब प्याज को, तो प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। इस प्याज को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब उसी पैन के अंदर मैं 10 से 12 कलियां लहसुन की ऐड कर रहा हूँ, साथ में 2 इंच अदरक के टुकड़े और 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ऐड कर रहा हूँ। अब ये चीज़ों को भी सेम तरीके से आपको भूनना है, जब तक कि हल्का सा रंग नहीं चढ़ जाता है हमारे इन्ग्रीडियंट्स के ऊपर। तो एक बार इन पे इस तरीके से आपने अच्छे से भून लिया है लहसुन अदरक और मिर्ची को, इसे भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब सेम पैन के अंदर यहाँ पर ड्राई कोकोनट ऐड कर दिया है, 1/4 ड्राई कोकोनट यूज़ किया, यानी कि जो एक वाटी होती है, एक वाटी का आधा यूज़ किया है। बस अब सूखे खोबरे को भी आपको सेम तरीके से अच्छे से भूनना है, जब तक कि एक डार्क रंग इस पे नहीं चढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो खोबरे को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, इस खोबरे को भी इस बोल में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब सेम पैन के अंदर कुछ मसाले भूनने हैं, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 2 मोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी और 2 तेज पत्ते मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इन मसालों को लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भूनना है, जब तक कि इन मसालों में से अच्छी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है। अच्छे से इन मसालों को भून लीजिए। एक बार आपके मसाले भून जाए तो इन्हें भी सेम बोल में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। बस एक लास्ट चीज़ भूननी है, सेम पैन के अंदर 2 टेबलस्पून खसखस ऐड कर दीजिए। खसखस को भी लो फ्लेम पर अच्छे से आपको भूनना है, जब तक ये रंग नहीं बदल जाता है खसखस का और खसखस अच्छे से भून नहीं जाती है। एक बार खसखस को भी आपने भून लिया है तो खसखस को सेम बोल के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है। हमने सारी चीज़ों को भी भून लिया है, इस मसाले को अभी आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं, इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ में 1 कप ताज़ा धनिया यहाँ पर ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है पेस्ट को ग्राइंड करने में। इन सारी चीज़ों का एक फाइन पेस्ट बना लेना है और इसे वाटन कहा जाता है, एक फाइन वाटन आपको तैयार कर लेना है। पानी आपको कम से कम यूज़ करना है, इसको भूनने में आसानी हो जाती है अगर पानी आप कम ऐड करते हो। तो आप देख सकते हो हमारा वाटन तैयार हो गया, एकदम फाइन तरीके से मैंने इसे पीस लिया है। अभी इसे हमें पकाना है। तो एक बर्तन के अंदर 5 से 6 टेबलस्पून तेल ले लीजिए, तेल थोड़ा सा खुला लेना है। तेल एकदम गर्म हो जाए तो एकदम लो फ्लेम पर 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड करने, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है। थोड़ा सा स्टर कर लीजिए और जल्दी से वाटन ऐड कर दीजिए, नहीं तो मिर्ची जो है वो जल जाती है। वाटन ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर करना है और तब तक कुक करना है अभी इस मिक्सर को मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये वाटन का रंग एकदम डार्क नहीं हो जाता है, वाटन का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रम्बली यानी कि दरदरा नहीं हो जाता है और तेल नहीं छोड़ देता है ये वाटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज पर आपको अच्छे से इस वाटन को भूनना है। लगभग 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इस वाटन को भूनने में। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो वाटन की कंसिस्टेंसी एकदम क्रम्बली एकदम दरदरी हो गई है, इसने बर्तन को छोड़ भी दिया है, तेल जो है वो छूट चुका है। इस स्टेज पर जो हमारी दाल का पानी था यानी कि कट, उसे ऐड कर देना है इस बर्तन के अंदर। अच्छे से आपको सारी चीज़ों को मिला लेना है। एक बार आप सारी चीज़ों को मिला लेंगे तो आप देख सकते हो काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। जो कटाची आमटी होती है वो काफ़ी ऐसे पतली कंसिस्टेंसी की होती है, इतनी गाढ़ी नहीं रखनी है, तो पानी उस हिसाब से एज रिक्वायर्ड आप ऐड कर सकते हैं। एक बार कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली, आपने सारी चीज़ों को मिला लिया, उसके बाद इस आमटी को आपको हाई फ्लेम पर एक बॉयल पे ले आना है। एक बार इस आमटी में बॉयल आ जाए तो फ्लेम को आप लो कर दीजिए और 8 से 10 मिनट तक आमटी को आपको बस सिमर होने देना है, बस पकने देना है अच्छे से, ताकि जो इसके ऊपर एक तर्री आ जाएगी, जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और हमारी आमटी जो है वो बहुत अच्छे से पक जाएगी और बहुत फ्लेवरफुल और बहुत डिलिशियस ये आमटी बनती है। तो 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पूरी तर्री ऊपर आ गई है, वो तेल ऊपर आ गया और हमारी आमटी पक चुकी है। इस स्टेज पर बस मैं टेस्ट करके इसमें नमक एडजस्ट करने वाला हूँ। नमक थोड़ा कम लग रहा था तो नमक एडजस्ट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर रहा हूँ और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और आप देख सकते हो हमारी डिलिशियस कटाची आमटी रेडी हो गई है।
तो ये जो कटाची आमटी है ये हर घर में अलग तरीके से बनती है, और ये वाला जो वर्जन है मुझे बहुत ही डिलिशियस लगता है। जैसे मैंने आपको बताया वो प्याज को और नारियल को आप डायरेक्ट गैस के ऊपर भी भूज सकते हैं और उसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब हर घर में कुछ इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे होते हैं, कोई लोग तड़के में राई जीरा भी डालते हैं, कई लोग जैसे रीजन है अलग अलग महाराष्ट्र में कोई गोड़ा मसाला डालता है, कोई कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला डालता है, कोई गरम मसाला ऐड करता है, कोई वाटन में वो जो मैंने मसाले भून के डाले वो नहीं डालता है। तो बहुत अलग अलग वर्जन्स होते हैं। इमली और गुड़ भी ऐड की जाती है कई बारी आमटी के अंदर, तो आमटी के कई वेरिएशंस हैं। मैंने आपको ये कटाची आमटी जो बताई है ये भी बहुत डिलिशियस बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब सारी चीज़ें जो हैं वो बन चुकी हैं, अब बस लास्ट का एक पार्ट रह गया है जहाँ पर हमको पूरन पोली को शेप करना है और फिर उसको पकाना है और फिर इसे हम प्लेट करेंगे। तो पूरन पोली को आसान तरीके से शेप कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। पूरण पोली को शेप करने से पहले तवा हमें रख लेना है, तो एक लोहे का तवा यहाँ पर ले रहा हूँ, आप नॉनस्टिक भी ले सकते हैं। एक बड़ा तवा ले लीजिए और उसे हमें गरम करना है, और तवा जब गरम करते हैं पूरण पोली के लिए उसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस मीडियम हीट रखिए और एकदम धुएँदार गरम आपका तवा नहीं होना चाहिए, तो ही आपकी पूरण पोली सॉफ्ट बनेगी। तवा गरम करने रख दिया, पूरण पोली को शेप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो आटा हमारा रेस्ट अच्छे से हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम अच्छे से ढल गया है। अब आटे का एक पोर्शन आपको ले लेना है और बाकी के आटे को एक गीले कपड़े से ढके रखना है कि वो ड्राई नहीं हो। इस आटे का एक अभी आपको पेड़ा तैयार कर लेना है। एक बार आटे का पेड़ा तैयार हो गया, इसको मैदा या चावल के आटे से आपको थोड़ा सा कोट कर लेना है। आपको अपनी उंगलियों और अंगूठे की मदद से एक कटोरी तैयार करनी है। ये कटोरी का जो सेंटर है वो हल्का सा थिक रहेगा और किनारे हल्के से पतले रहेंगे। एक बार ऐसे कटोरी बन जाए तो आपने जितना आटा लिया था उससे हल्का सा कम पूरन या सेम क्वांटिटी का पूरन लेना है और एक उसका गोला तैयार कर लेना है। पूरन के गोले को बीचों बीच कटोरी के रख दीजिए। फिर आपको फिलिंग को ऐसे नीचे प्रेस करना है और किनारों को ऐसे ऊपर ले आना है। हमें करना क्या है, इस डो बॉल को सील करना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से शेप कर रहा हूँ, मेरे उंगली और अंगूठे को यूज़ कर रहा हूँ और किनारों को ऐसे साथ में ला रहा हूँ और बीच बीच में अंगूठे से ऐसे फिलिंग को नीचे प्रेस कर रहा हूँ। एक बार इस तरीके से किनारे काफ़ी पास में आ जाएँ तो बस किनारों को ऐसे सील कर दीजिए। सील करने के बाद अगर आपका डो ऐसे ऊपर बच रहा है थोड़ा सा तो वो डो निकाल सकते हैं, अगर नहीं बच रहा है तो बस इस पेड़े को अच्छे से आपको सील कर लेना है। तो आप देख सकते हो पेड़ा सील हो गया है। ये सील वाला हिस्सा है इसको अभी पलट कर नीचे कर देना है और हल्का सा ऐसे घुमाकर पेड़े को थोड़ा सा शेप कर लेना है। एक बार पेड़े को आपने ऐसे शेप कर लिया उसके बाद इसको मैदे में या चावल के आटे में इस तरीके से कोट कर लेना है और कोट करने के बाद प्लेटफॉर्म पर रख देना है। प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद अपने हथेली से या उंगलियों से इसको एकदम केयरफुली आपको ऐसे फ्लैट करना है, थोड़ा सा दबाना है कि एक डिस्क बन जाए ताकि हम इसे अच्छे से ईजिली बेल पाएँ। एक बार ये डिस्क तैयार हो गई, ध्यान दीजिए कि मैदा या राइस फ्लावर थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए आपके चकले के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक बेलन की मदद से इसको एकदम केयरफुली आपको बेलना है, हल्के हाथों से बेलिए, एकदम केयरफुली एकदम लाइट हाथों से पूरन पोली को हैंडल करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जैसे आप पराठा बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है, लेकिन पराठे से काफ़ी पतली होती है, जितनी पतली इस पूरन पोली को आप बेल सकते हैं उतना पतला इस पूरन पोली को बेल लीजिए। बेलते समय लगता है थोड़ा सा, आपको सूखा आटा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, सूखा आटा अच्छे से लगा होगा तो पूरन पोली को आप ईजिली बेल पाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम अच्छे से एक पूरन पोली यहाँ पर बेल ली है, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। पूरन पोली को ऐसे एकदम केयरफुली आपको उठाना है और तवे के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। आपकी जो आंच है वो हमेशा मीडियम या मीडियम टू लो रहेगी, एकदम मीडियम फ्लेम पे पूरन पोली को आराम से पकाइए, बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। एक बाजू से पकने दीजिए, देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें ऐसे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक साइड से थोड़ी पक चुकी होगी। एक बार बबल्स आ गए इस तरीके से तो एकदम केयरफुली कॉन्चे से उठा के इसको पलटी कर देना है। पलटी एक बार कर देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे दूसरे साइड से भी पकेगी और ये पूरन पोली एकदम अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी पूरन पोली कितने अच्छे से फूल रही है। एक बार ये इस तरीके से फूल जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर साजुक तूप यानी कि घी लगाना है। घी लगाकर इसको एकदम केयरफुली पलटिए, दूसरे बाजू भी घी लगाइए और एकदम लो फ्लेम पर ही यहाँ पर घी के साथ भी थोड़ा सा ही पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो पूरन पोली कड़क हो जाती है। एक बार इस तरीके से आपने पका लिया है तो हमारी एकदम परफेक्ट पूरन पोली रेडी हो गई है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईफल स्टाइल। Thank you.
मजा आ गया आज पूरन पोली खाने में, साथ में वो जो कटाची आमटी है क्या बनी है, और वो जो थाली खाने का मजा है कुछ और है। थाली में मैंने जितनी भी चीज़ें रखी उसके बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ। वरण भात यानी कि राइस होता है और मूंग की दाल होती है एकदम सिंपल वाली बिना तड़के की। वरण भात साथ में थोड़ा सा ऊपर साजुक तूप यानी कि घी डालो वो खाओ। बटाट्याची भाजी बहुत सिंपल तड़का डाल के बनती है। और साथ में वो जो दूध डाला मैंने उसे बेसिकली पहले जो एक लिक्विड डाला था जो मैंने मेंशन किया था घुड़वनी जिसे कहते हैं, वो बेसिकली गुड़ को पानी में मेल्ट किया जाता है, उसमें सौंठ का पाउडर थोड़ा सा जायफल डाला जाता है और फिर उसके अंदर थोड़ा दूध मिक्स करते हैं थोड़ा घी मिक्स करते हैं और पूरन पोली उसमें डिप करके खाई जाती है। कई जगहों पर बस दूध के अंदर भी पूरन पोली डिप करके खाई जाती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है हर घर में। कोशिंबीर या एक कचुम्बर सर्व किया जाता है, खमंग काकड़ी सर्व की जाती है, वो अचार सर्व किया जाता है। तो इस तरीके से थाली सजाई है। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी की भी जो रेसिपीज़ जो थाली में सर्व की थी वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूं। ये मील खाने में बड़ा मज़ा आता है। मला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा कि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू अक्षय्स मॉम शारदा आंटी ये रेसिपी मेरे साथ शेयर करने के लिए, ताकि ये मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूं आज। होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी होली इन एडवांस, एंड डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। भले होली हो या कोई बड़ा ओकेजन हो या पूरन पोली खाने का मन हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। एंड जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में ज़रूर या DMs में मेरे को बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। हैप्पी होली इन एडवांस। चीयर्स।